जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, मेरा नाम है देव और तिरुमाला के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल तिरुमाला में बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई है और बारिश के कारण ठंड भी बढ़ी है। तिरुमाला में बारिश होने के कारण यहाँ पर जो भी भक्त दर्शन के लिए आए थे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई है, क्योंकि दोस्तों तिरुमाला में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रूम की बुकिंग नहीं होती है। तो जिन्हें रूम की बुकिंग नहीं मिल पाती है तो उन्हें जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पर वे विश्राम करते हैं, लेकिन बारिश होने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं और उन सभी लोगों को परेशानियाँ होने लगती है जो कि एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तिरुमाला में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ की भक्तों की भीड़ ना लगती हो, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बारिश होने के कारण हर जगह हर रास्ते पर पानी ही पानी हो जाता है, जिसके कारण यहाँ आए भक्तों को परेशानी होती है। दोस्तों, तिरुमाला के क्षेत्र में बारिश होने के कारण ठंड भी बढ़ जाती है और ठंड में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जिनके रूम की बुकिंग नहीं होती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बताई गई है, तो अगर आप आने वाले दिनों में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमाला जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की है तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा चादर लेकर चलें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि भीड़ बढ़ने के कारण या आपके लेट पहुंचने के कारण आपको रूम की बुकिंग ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में आप यात्री सदन में रुक सकते हैं। दोस्तों, यात्री सदन में फ्री लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन यात्री सदन में लॉकर और वॉशरूम के अलावा कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। यात्री सदन में सिर्फ आपको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे जहाँ पर आपको चादर बिछाकर या चटाई बिछाकर सोना पड़ेगा, और अगर आपको यात्री सदन में रुकने की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में आपको अपने चादर की आवश्यकता होगी ताकि रात को अगर ठंड बढ़ती भी है तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों, तिरुमाला में इस वीकेंड काफ़ी संख्या में भीड़ हुई है, दर्शन करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अब भीड़ धीरे धीरे सामान्य हो चली है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि दिव्य दर्शन टोकन और सर दर्शन टोकन कहाँ से लें और कैसे लें, तो ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में भी बताया है। दिव्य दर्शन या सर दर्शन दोनों ही प्रकार का दर्शन टिकट अभी बराबर हो चुका है, यानी कि आप दिव्य दर्शन टिकट लीजिए या फिर सर दर्शन टोकन, दोनों ही प्रकार के टिकटों से एक ही लाइन से होकर दर्शन कराया जाता है। दोस्तों, दिव्य दर्शन टिकट पैदल जाने वालों के लिए होता था, लेकिन अभी के समय में आप किसी भी प्रकार के दर्शन टिकट लीजिए, उससे आप पैदल भी जा सकते हैं और बस द्वारा भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें पैदल यात्रा की जानकारी के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलीपीर मार्ग से होकर पैदल यात्रा की पूरी जानकारी एक सेपरेट वीडियो में मेरे चैनल पर दे दी गई है, आप चाहें तो चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमाला जा रहे हैं और अगर आपके पास रूम की बुकिंग नहीं है तो आप कोशिश करें कि सुबह के 4 से 5 बजे तक तिरुमाला पहुँच जाएँ ताकि आप रूम की बुकिंग कर पाएँ। दोस्तों, रूम की बुकिंग CRO ऑफिस में होती है और रूम की बुकिंग के लिए भी कम्प्लीट जानकारी मैंने एक सेपरेट वीडियो में दे दी है, आप चाहें तो चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, तिरुमाला से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले वीडियो में देते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।